हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोको की तरफ से लॉन्च होने वाले एक और नए स्मार्टफोन के बारे में। पोको की तरफ से नवंबर 2021 के महीने में हमको दो नए स्मार्टफोन्स देखने के लिए मिल सकते हैं, पोको M4 एंड पोको M4 Pro। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोको M4 Pro के बारे में, क्योंकि ये वाला जो स्मार्टफोन है पिछले कुछ समय में अलग अलग सर्टिफिकेशन वेबसाइट्स पर देखा गया है। रिसेंटली ये वाला जो स्मार्टफोन है FCC पर लिस्ट हुआ है, एंड FCC की लिस्टिंग को देखते हुए इस फोन की 5G कैपेबिलिटीज के बारे में, इस फोन के वेरियंट्स के बारे में, एंड इस फोन की चार्जिंग कैपेसिटी के बारे में सारी चीजें कन्फर्म हो गई है। तो अलग अलग सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर चूंकि ये वाला फोन लिस्ट होता जा रहा है, तो थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशंस क्लियर होते जा रहे हैं, एंड थोड़े बहुत लीक्ड है भाई, थोड़े बहुत रूमर्ड है। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोको M4 Pro से जुड़ी सारी चीजों के बारे में, क्या क्या पॉसिबल स्पेसिफिकेशंस यहां पर आपको मिल सकते हैं, क्या कुछ फीचर्स मिल सकते हैं, किस प्राइस पॉइंट पर इंडिया में लॉन्च हो सकता है, कब लॉन्च होने वाला है, एंड क्या ये फोन लेने लायक रहेगा या नहीं रहेगा, सारी चीज डिस्कस करेंगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं, और लाइक टारगेट रखते मात्र 400 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई बातचीत को, लेकिन बातचीत को स्टार्ट करने के पहले तीन इंपॉर्टेंट बात। पहली इंपॉर्टेंट बात, इंस्टाग्राम पर जरूर से मेरे को फॉलो कर लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं अब रेगुलरली लाइव आना स्टार्ट करूंगा। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो लाइव सेशन में आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से जाकर के आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर टेलीग्राम चैनल में मैं आपको नई नई डील्स के बारे में, नए स्मार्टफोन्स के बारे में, लीक्स एंड रूमर्स के बारे में सारी चीजें वहां पर बताता रहूंगा। सो यस, इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये वाला जो फोन है, इस फोन के कोई भी रेंडर्स अभी तक निकल करके नहीं आए हैं। पोको M4 Pro से जुड़े कोई भी डिजाइन डिटेल्स या रेंडर्स निकल करके नहीं आए हैं। तो आज के वीडियो में आपको जितनी भी इमेजेस दिखने वाली हैं वो सारी रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए रहेंगी, वो एक्चुअल इमेजेस नहीं रहेंगी, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। अब फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और सबसे पहले बात कर लेते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला भाई कि डिजाइन को लेकर के कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की रहेगी। प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलेगा। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल सकता है प्रोबेबली यहां पर, तो बिल्ड क्वालिटी आपको डिसेंट मिलेगी। डिजाइन आई डोंट नो कैसी डिजाइन होने वाली है, लेकिन पोको की जो डिजाइन रहती है वो थोड़ी सी फंकी काइंड ऑफ डिजाइन रहती है। सो यस, यहां पर डिजाइन भी आपको ठीक ठाक मिल ही जाएगा। डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंचेस का यहां पर आपको डिस्प्ले मिल सकता है, जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आएगा, एंड IPS LCD पैनल यहां पर आपको मिलेगा। सेंटर पंचोल के साथ में आपको डिस्प्ले मिल सकता है, IPS LCD पैनल वाला। 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलेगा, 405 PPI के आसपास आपको पिक्सल डेंसिटी मिल सकती है, तो कंटेंट वॉचिंग के लिए डिस्प्ले सही रहने वाला है। अब इस प्राइस पॉइंट पर IPS LCD और 5G फोन है भाई, तो डिस्प्ले में कटौती होती होती है, ये चीज आपको पता है। सो यस, डिस्प्ले क्वालिटी कंटेंट वॉचिंग के लिए डिसेंट है। रिफ्रेश रेट की अगर बात करें तो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिलेगा, 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिल सकता है। तो जो डिस्प्ले है कंटेंट वॉचिंग के लिए भी बढ़िया है और गेमिंग के लिए भी बढ़िया होने वाला है, तो डिस्प्ले में आपको ज्यादा शिकायत नहीं आने वाली है। आगे चलते भाई, बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस फोन को शक्ति प्रदान करने के लिए पॉसिबली इस फोन में आपको मिल सकता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 720 चिपसेट। यस, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप भी मेरी तरह डिसअपॉइंट हुए हैं। 720 चिपसेट इज नॉट दैट पावरफुल चिपसेट, अच्छा चिपसेट है, एनर्जी एफिशिएंट है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस भी निकाल करके नहीं देता भाई। मतलब ऐसा नहीं आप सोच सकते हैं कि 5G चिपसेट है तो परफॉर्मेंस तगड़ी देगा। हाँ, ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको निकाल के देता है। 7 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है, तो एनर्जी एफिशिएंसी बढ़िया रहती है, हीटिंग का इशू भी आपको काफी कम मिलता है। उसी के बाद में अगर बात करें तो 2.0 GHz की पीक क्लॉक स्पीड पर 2A76 वाले कोर्स मिलते हैं, 6A55 वाले कोर्स मिलते हैं, तो डे टू डे की परफॉर्मेंस आपको डिसेंट मिल जाती है। गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए अनमाली G57MC3 GPU मिलता है, जो कि 3 कोर का GPU है, 7 नैनोमीटर का GPU है। सो यस, गेमिंग आपको अच्छी करा देता है, गेमिंग में आपको ज्यादा शिकायत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ LPDDR4X RAM मिलेगी, एंड UFS 2.1 या फिर UFS 2.2 का स्टोरेज का सपोर्ट आपको मिल सकता है। सो यस, परफॉर्मेंस की अगर बात करें, ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस यहां पर आपको अच्छी मिल जाएगी, परफॉर्मेंस में आपको ज्यादा शिकायत नहीं आने वाली है। कैमरास की अगर बात करें, 3 कैमरास का सेटअप पॉसिबली यहां पर आपको पीछे की तरफ मिल सकता है, एंड अगेन लाइक अदर ब्रांड्स पोको विल ऑल्सो फॉलो द ट्रेंड। 50 मेगापिक्सल कैमरा का ट्रेंड चल रहा है भाई, तो अभी यहां पर भी आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा, साथ ही में 2-2 मेगापिक्सल के 2 छोटू मिलेंगे।
एक छोटू काम आएगा डेप्थ सेंसिंग के लिए, दूसरा छोटू काम आएगा मैक्रो शॉट्स लेने के लिए। तो दो कैमरास तो यूजलेस है यहाँ पर, 50 मेगापिक्सल्स का यहाँ पर आपको प्राइमरी कैमरा मिलेगा, तीन कैमरा इसका सेटअप पीछे की तरफ है, 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर, रेयर कैमरा मेरे हिसाब से डिसेंट आपको मिलेगा। एंड फ्रंट में अगर बात करें तो 13 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा यहाँ पर आपको मिल सकता है, एंड सेल्फी कैमरा से आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। ओवरऑल कैमरा सेटअप की अगर बात करें, मेरे हिसाब से एवरेज कैमरा सेटअप यहाँ पर आपको मिलता है। एक अल्ट्रा वाइड अगर यहाँ पर मिल जाता है, तीन कैमरास में अगर प्राइमरी प्लस अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो या डेप्थ रहता है तो कैमरा सेटअप अच्छा रहेगा, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है, बहुत ही कम है। दो दो मेगापिक्सल्स के दो आपको छोटू ही मिलने वाले हैं जो कि कुछ काम नहीं आने वाले हैं। सो कैमरा मॉड्यूल मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको एवरेज मिलेगा। बैटरी की अगर बात करें तो बैटरी में आपको अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है अगर हम पोको M3 प्रो से कंपेयर करें। बैटरी के साइज की अगर बात करें तो 5000mAh की यहाँ पर आपको बैटरी मिलेगी। तो बैटरी का साइज तो अच्छा है, डिसेंट साइज है, बैकअप भी आपको अच्छा देगा, एंड चार्ज करने के लिए 33 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करेगा। 33 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा, एंड दिस इज अ गुड थिंग कि 5000mAh की बैटरी भी है, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी आपको मिल जाती है, तो भाई बैकअप भी आपको अच्छा मिलेगा एंड चार्जिंग स्पीड भी यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाएगी। तो ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल में आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है, बैटरी मॉड्यूल यहाँ पर आपको बढ़िया मिलने वाला है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलेगा, हमारा प्यारा दुलारा 3.5mm का खड्डा भी मिलेगा, उसको गायब नहीं किया जाएगा। उसी के साथ में सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड सेंसर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको छोटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर मिल जाएंगे, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिलेगा, फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सो यस दिस इज अ गुड थिंग। उसी के अलावा सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो ये वाला जो फोन है MIUI 12.5 के ऊपर मिलेगा, ये चीज कंफर्म हो चुकी है सर्टिफिकेशन वेबसाइट से। तो MIUI 12.5 अगर मिल रहा है तो ये वाला फोन जो है आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 पर तो शायद आपको ना मिले, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 मिलेगा, MIUI 12.5 मिलेगा, लेकिन अपडेट आपको काफी जल्दी इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। सो यस सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी आपका ओके रहने वाला है, सॉफ्टवेयर में भी आपको ज्यादा शिकायत नहीं आने वाली है। उसी के साथ में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स यहां पर आपको मिल सकते हैं, तो ऑडियो एक्सपीरियंस यहां पर आपका अच्छा रहेगा, उसमें आपको शिकायत नहीं आएगी। एंड साथ ही में यहां पर आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी का स्लॉट भी मिल सकता है, मतलब दो नैनो सिम आप लगा सकते हैं, उसी के साथ में मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। एंड मेमोरी कार्ड लगा करके अपने होमवर्क को, अपने स्टडी मटेरियल को आराम से एंजॉय कर सकते हैं। सो स्पेसिफिकेशंस की अगर बात की जाए तो ओके स्पेसिफिकेशंस हैं मेरे हिसाब से, एंड 5G बैंड्स भी क्लियर हो गए हैं भाई, तकरीबन 4 से 5 5G बैंड्स के यहां पर आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, विच इज इनफ, क्लोज टू इनफ। मतलब ये नहीं बोल सकते आपके अच्छे खासे 5G बैंड मिल रहे हैं, ये भी नहीं बोल सकते कि भाई बिल्कुल एकाधिक 5G बैंड दिया है, 4-5 5G बैंड्स का सपोर्ट यहां पर आपको मिल जाएगा, विच इज अ गुड थिंग। वेरिएंट्स की अगर बात करें तो दो वेरिएंट्स में ये फोन लिस्ट हुआ है, 4GB प्लस 64GB एंड 6GB प्लस 128GB। एंड प्राइस पॉइंट की अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि इसका जो बेस वेरिएंट रहेगा कहीं ना कहीं 15,000 के आसपास, 15,000 से 16,000 के आसपास इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। एंड 15,000 से 16,000 के हिसाब से डिसेंट फोन रहेगा, डिसेंट फोन रहेगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव प्राइस पॉइंट है, ओवर प्राइस है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है। अगर इस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होता है भाई, अभी जब लॉन्च होगा तभी क्लियर होगा, लेकिन हाँ अगर 15-16 हज़ार के आसपास आता है तो फिर मैं बोलूँगा कि दूसरे और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस फ़ोन में आपको ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी खास भी नहीं मिलने वाला है कि इस फ़ोन का वेट किया जाए। सो यस आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपकी क्या राय है इस फोन के बारे में, कैसा है फोन, किस प्राइस पॉइंट पर आना चाहिए, अगर इन्हीं स्पेसिफिकेशंस के साथ में आता है तो कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।